जय हिंद। आज आपका 21 सितंबर 2022 है। ऑपरेटर रेडियो एयरलाइन का मैं अपडेट दे रहा हूँ। थंबनेल में आप पहले ही पता चल चुका है कि किस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ऑपरेटर रेडियो एयरलाइन का कल जो लाइव सेशन किया था 20 तारीख को, मैं उसमें आपको बता दिया था कि आपको ऑपरेटर रेडियो एयरलाइन, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क का, इन तीनों की इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको ऑपरेटर रेडियो एयरलाइन की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आज आपका क्या हुआ है, बाकी क्लर्क का, एनए का कल मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी जो कैंडिडेट है ट्रेन में आ रहे हैं यहां से, उनसे कॉल पर भी बात होना मुश्किल हो जा रहा है। कनेक्ट ही नहीं कॉल हो पा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, उसमें आवाज नहीं आ रहा है। तो इसके वजह से किसी तरीके से ऑपरेटर रेडियो एयरलाइन का इंफॉर्मेशन लिया हूं। तो चलिए ऑपरेटर रेडियो एयरलाइन का आपको बता देता हूं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्या आ रहा है, क्योंकि लाइव में इस चैनल से काफी सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं। तो आप लोग अपना उस हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी कुछ समझ में आएगा। तो वहां पे देखिए, सबसे पहले आप अपना सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, साथ में ग्रुप में 10-15 लोगों के ग्रुप में रहिएगा, अकेले इधर उधर मत जाइएगा, क्योंकि 15 लड़के आपका 20 तारीख को गायब हो चुके हैं। जैसा वहां से ऑफिशियल लोग अंदर के असम राइफल के पर्सनल लोग बताए हैं कि 15 लड़के बड़े बड़े अब रैली देखने जा रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए, आपके ही एज के, आपके ही कद काठी के होंगे, तो 15 लड़के गायब हो चुके हैं और 2 सुखोवी में, आपके सुखोवी का मैं अपडेट दे रहा हूँ ऑपरेटर रेडियो एयरलाइन का, 2 कैंडिडेट सुखोवी में मर चुके हैं। किस लिए, कि वो इंजेक्शन लेके के दौड़ रहे थे। मैं एक वीडियो इसके भी ऊपर थंबनेल पे लगाया था कि आप इंजेक्शन कुछ भी ऐसा मत लेकर के दौड़िए, नहीं तो आपका हेल्थ इश्यू जो भी होगा बेकार होगा, आप ही उसके लिए जिम्मेदार रहोगे, जो आपके ऊपर केस होगा वो अलग से। और 2 दीमापुर में कैंडिडेट मर गए, यानी कि 4 कैंडिडेट वहाँ पे मर चुके हैं और का तो आंकड़ा पता भी नहीं है। 15 क्वेश्चंस पूछा गया था, ये जो कैंडिडेट से ट्रेड टेस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। रनिंग के लिए आपका सुखोवी में अप डाउन है, काफ़ी ज़्यादा अप डाउन है। और आपका रनिंग कितने बजे, 6 बजे तक रनिंग फिनिश हो गया था, 6 बजे तक रनिंग आपका हो गया था, आप समझ रहे हो, 6 बजे सुबह रनिंग आपका खत्म हो गया। ट्रैक अप डाउन है, कैंडिडेट्स ने बताया कि ट्रैक अप डाउन है, मुश्किल है, लेकिन तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने रनिंग को निकाला है। तो अब जब रनिंग को निकालनी है, उसके बाद हाइट, चेस्ट, वेट, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, 3 घंटे लग गए उसमें, उसके बाद ट्रेड टेस्ट हुआ। आपका ट्रेड टेस्ट में 15 क्वेश्चन उनसे पूछा गया। कुछ कैंडिडेट से क्या पूछा गया था, आपका ACDC से रिलेटेड पूछा गया था। और जो इनसे पूछा गया उस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। अब हर एक कैंडिडेट से लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा मेरे पास रिव्यू आएगा उतना ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकता हूँ। इसका PDF आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको पेन पेपर लेकर के नोट करना होगा। आके टेलीग्राम पर या मत टेक्स्ट करिएगा कि मुझे आप PDF प्रोवाइड करिए, PDF कुछ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन लेकर के, पेन लेकर के पेपर पे नोट कर लीजिए। 15 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से जो 11 जवाब दे रहा था वो भी आउट हो गया था। ये क्या थे, 11 जवाब दिए ये आउट हो गए, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था। इनका कहना यह था कि मुश्किल है बहुत ज़्यादा उसमें। अब आप देखिए, डिमोरलाइज मत होइए, आप जाइए देखिए, जो आपका फीडबैक होगा वो दीजिएगा। मुश्किल है टेस्ट को क्वालिफाई करना, सिर्फ इनके साथ इनके जो भी बैच में थे सिर्फ 5 लोग क्वालिफाई किए हैं ट्रेड टेस्ट। ओके, 5 लोग क्वालिफाई किए हैं आपके। इनसे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का हो गया, इसको मैं करवा रखा था, तो ALU के बारे में पूछ दिए थे। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोट्रॉन के बारे में पूछा गया था कि इन सब पे कौन सा चार्ज होता है। और अटम के बारे में पूछा गया था, अटम और डायनासोर की हड्डी कैसे पता करें कि वो सही है या बेकार हो गई है, क्या उसका। और एज के लिए कार्बन डेटिंग का भी था, और मतलब आप समझ गए ना, हड्डी डायनासोर्स की जब सड़ी हुई पड़ी हुई है तो कैसे चेक करेंगे कि वो सही है या बेकार हो चुकी है। ये क्वेश्चन पूछे थे। आयरन में, लोहे में जब जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है, तो उसका वजन बढ़ता है या घटता है, इसके बारे में पूछे थे। और उसका उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चंस को आप नोट करके चलिए कि ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सीरीज का वहाँ पे एक डायग्राम था, यानी कनेक्शन था, तो उसमें पूछ रहे थे कि वहाँ पे चार्ज पूछ रहे थे, और वोल्ट मीटर कहाँ पे है, मीटर कहाँ पे है, जो भी सिंबल उम्बल बना था, इन सब को पूछ रहे थे, पॉजिटिव कौन सा है, निगेटिव कौन सा है। इतना ही क्वेश्चन उनको याद था, तो उन्होंने
इतना क्वेश्चन बताया और एसीडीसी का आपको बता दिया। तो एसीडीसी से पूछे थे कि कौन सी धारा सबसे दूर तक तय करती है एसी या डीसी में से। ठीक है, एसी या डीसी दो ही धारा है, कौन सी धारा सबसे दूर तक तय करती है। तो यह हो गया और आपका रनिंग का बता दिया। 6 बजे ट्रेड टेस्ट कब खत्म हो गया इन लोगों का, इन लोगों का ट्रेड टेस्ट बहुत तेजी से खत्म हुआ और ये 12:30 तक ये रेलवे स्टेशन यानी कि दीमापुर भी पहुंच गए थे। तो आप देख लीजिए कितना तेज प्रोसेस इन्होंने खत्म करवाया है और सुबह से आप जा करके अपना जो भी अपने हिसाब से लाइन वाइन लगा लीजिएगा। तो आज का यह आपका अपडेट था 21 तारीख के अपडेट में यही है। यह मैं वीडियो अभी आपको 11 बजे तक देने की कोशिश करूंगा। बाकी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, जिन लोगों को और भी अपने साथी को जोड़ना है जोड़ लीजिए अपने साथी को। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी वेरी होगा तो आप कमेंट करिएगा। जय हिंद।